हेलो पोकस टू यूजर, क्या हाल है आप सभी के। काफी दिनों बाद में पोकस टू के साथ में दोबारा से हम दोनों की यहाँ पे मुलाकात हो रही है। और मुलाकात होने का मेन रीजन ये है कि पोकस टू में MIUI 12.0.2 का एक नया OT अपडेट आया है, जो कि एक स्टेबल अपडेट है। 470 MB का ये अपडेट है, कल रात को ही आ चुका था। मैंने भी आप लोगों को कम्युनिटी टैब में जाके बताया था कि भैया अपडेट को फटाफट से इंस्टॉल कर लो, कहीं ये अपडेट हर बार की तरह यहाँ पे गायब ना हो जाए। लेकिन इसके साथ में मेरे साथ एक कुछ मजाक हो चुका है, मतलब पोको वालों ने करा है क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बेसिकली हुआ क्या कि मेरे पास जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आई, मैं यहाँ पे कि अपने फोन के अबाउट सेक्शन में मैंने अपने जो अपडेट आया था उसको मैंने इंस्टॉल करा। अपडेट जो है डाउनलोड भी हो चुका था, फोन यहाँ पर रिबूट भी हो चुका था। और रिबूट होने के बाद में जब यहाँ पे फोन ओपन होता है तो मुझे यहाँ पे MIUI 12.0.1 का ही अपडेट यहाँ पर शो करता है, यानी कि ये जो अपडेट था ये एकदम से गायब हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके चेक करा तो मुझे यहाँ पे एक नया फोल्डर दिखाई दिया जो कि था MIUI रोम का, और उसके अंदर वो जो अपडेट था डाउनलोड हुआ था। और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे मैन्युअली फ्लैश करा था। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसी होता है तो आप लोगों को ऐसे कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अपडेट के बाद में हम लोगों को क्या क्या नए यहाँ पे फीचर देखने को मिले हैं और कौन से नए यहाँ पे बग हमको देखने को मिले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम जाते हैं इसके वर्स न्यू में, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे केवल एक ही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे मिला है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मैं सिक्योरिटी पैच की बात करता हूँ तो ये अच्छी बात है कि अक्टूबर का जो सिक्योरिटी पैच है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और इसके बाद बात करता हूं अगर मैं कुछ बैन एप्लीकेशन की, जैसे कि आप सभी को पता होगा जो MI ब्राउजर था या फिर MI वीडियो थी वो यहाँ पे बैन कर दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। और जैसे इस अपडेट को मैंने मतलब मैन्युअली मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा था, उसके बाद तो मुझे यहाँ पे जो MI ब्राउजर था वो अपने फोन में शो नहीं हुआ, यानी कि वो पोको की तरफ से यहाँ पे हटा दिया गया है। और इसके बाद अगर बात करता हूँ MI वीडियो की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन है MI वीडियो में वो यहाँ पे आ चुका है, और इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल यहां से कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करते हैं यहां पे कंट्रोल सेंटर की, तो यहां पे हमको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो डेली डेटा यूजर्स की लिमिट थी वो अभी भी हमको यहां पे देखने को नहीं मिलती है। और अगर मैं बात करता हूं इसके लैंडस्केप मोड की, जैसे कि मैं इस तरह से आप लोग को भी यहां पे दिखा देता हूं, तो यहां पे अगर आप लोग जाते हो अपने फोन के नोटिफिकेशन सेट को ओपन करते हो कंट्रोल सेंटर को, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो जो आइकन है वो अलग से हमको दिखाई दे रहे हैं और बाकी की चीजें हमको यहां पे अलग से शो कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है कि जो पहला अपडेट आया था MIUI 12 का पोकस 2 में उसके साथ में दे देना चाहिए था, बट फाइनली यहाँ पे ये आ चुका है जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कैमरे वगैरह की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह भी क्लिक की हैं, और सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिला इस फोन के कैमरे में। जैसे कैमरा क्वालिटी हमको पहले देखने को मिलती थी वैसे ही कैमरा क्वालिटी अभी भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे मैं पोर्ट्रेट की बात करता हूँ, फ्रंट की बात करता हूँ, बैक की बात करता हूँ, नाइट मोड की बात करता हूँ। लेकिन नाइट मोड में अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1x यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि नाइट मोड पे जाने के बाद भी अब आप लोग यहाँ पे 2x तक जूम कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। और 2x जूम करने के बाद में अब आप लोग यहाँ पे फोटो को क्लिक कर सकते हो। अब अगर आप लोग इस चैनल पे पहले से हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था कि MIUI की जो गैलरी एप्लीकेशन है चाइना के अंदर में एक नया अपडेट गैलरी एप्लीकेशन का आया है, जहां पे कुछ नए फीचर हमको मिले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हो और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि है एड डिवाइस फ्रेम, यानी कि आपका Xiaomi का कोई भी स्मार्टफोन होगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके स्मार्टफोन का जो फ्रेम है वो आपके स्क्रीनशॉट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और उसको उसके बाद आप लोग इसको एक PNG फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। और ये जो अभी पोकस टू में नया अपडेट आया है 12.0.2 का, इसके बाद ये जो फीचर है इंडिया के लिए भी पोकस टू में भी रोल आउट कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और आप लोग इसको जाके अपने गैलरी ऐप में जाके चेक कर सकते हो। मैं आप लोग को यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा भी देता हूँ, कुछ इस तरह का आप लोगों का यहाँ पे ये देखने को मिलेगा जो कि काफी प्रोफेशनल लुक यहाँ पे लगता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कुछ यहाँ पे फिल्टर की, जैसे कि जो स्काई वाले फिल्टर हमको देखने को मिले हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नए नए टाइप के फिल्टर जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और एक छोटी सी वीडियो भी आप लोग अपनी फोटो की यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके की, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। अब ये तो वो फीचर है जो कि अपडेट के बाद में हम लोगों को पोकस 2 में देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बाद में फोन में हमको एक आधा बग भी देखने को मिल चुका है। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो की, तो फ्लोटिंग जो हमारी विंडो है ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग जिस एप्लीकेशन के साथ में स्प्लिट स्क्रीन या फ्लोटिंग विंडो काम करती है, सपोर्ट करती है, उन एप्लीकेशन को आप लोग कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। और अपडेट के बाद में मेरे फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि सपोर्ट करती है सारी के सारी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन जो यूट्यूब है यार, यूट्यूब के साथ में आप जो फ्लोटिंग विंडो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है वो अब यहाँ पे डिसेबल हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा फ्लोटिंग विंडो में यूट्यूब का यूज करता हूँ। आप लोग भी ऐसा
यूज़ करते होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि इस अपडेट के बाद में आप लोग यूट्यूब को फ्लोटिंग विंडो में यूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अगर अपने फ़ोन की सेटिंग में, और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं एडिशनल सेटिंग में, इसके बाद आते हैं डेवलपर ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, और इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता था जो कि था सेंसर ऑफ का, पुराना ऑप्शन था सॉरी, और वो जो सेंसर ऑफ का ऑप्शन है वो अब यहाँ से डिसेबल हो चुका है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो बना के बताया था कि जो सेंसर ऑफ है वो यहाँ पे कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है उसके, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है। बेसिकली सेंसर ऑफ करने के बाद में आपके मोबाइल फोन के जितने भी सेंसर होते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे आपका माइक हो, चाहे आपका जायरोस्कोप हो, वो सारे के सारे यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं, और इसीलिए सेंसर ऑफ के फीचर को मैं भी पर्सनली यहाँ पे यूज करता था, लेकिन अपडेट के बाद में मैंने देखा तो वो जो ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे भाइयों पोको एक्स2 के साथ में हमको जो इस अपडेट के बाद में देखने को मिली है। अगर आपके कोई भी और सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आप लोगों को इसका बैटरी डैन परफॉर्मेंस वगैरह और सारी चीजों के बारे में जानना है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे अपडेट के बाद में यहाँ पे कुछ भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला है। 120 हर्ज अपडेट से पहले कभी कभी यहाँ पे जो थोड़ा उसमें जटर या फिर फ्रेम ड्रॉप टाइप का मुझे देखने को मिला था, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बैटरी भी यहाँ पे ठीक चल रही है, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। इस वीडियो में केवल इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपको काम की लगी होगी, अगर काम की लगी है तो लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।